ये वैरायटी दोस्तों जेरोमाइन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिख रही है और कितने बड़े साइज के फ्रूट हैं और किस तरीके से ये लगे हुए हैं। ये भी वैरायटी जेरोमाइन है और इसमें एक पोलिनाइजर है ये, जिसको अवेल अर्ली फ्यूजी बोलते हैं। और ये देख रहे हैं आप दोस्तों, हमने हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है और हमारी कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं। ये इधर हमने हार्वेस्टिंग कर ली है और इधर भी हार्वेस्टिंग कुछ कर ली और कुछ बची हुई है हमारी। ये एक दूसरी लाइन है दोस्तों, इसमें भी जेरोमाइन लगा हुआ है पूरा। और ये इसी के बीच में कुछ न्यू प्लांटेशन की गई है। ये भी मैं जो आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ, ये भी जेरोमाइन है आप देख रहे हैं और ये एक टॉल स्पिंडल सिस्टम में है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये हमारा एक सिलेंडर स्पिंडल सिस्टम है, जो मैं आपको बताया भी मैंने कि किस तरीके से उसको बनाते हैं और कब बनाते हैं और किस तरीके से वो दिखता है और उस सिस्टम में किस तरह की फ्रूटिंग होती है। वैरायटी इसमें आपकी जेरोमाइन है, बीच बीच में हमने कुछ फ्रूट्स जो है हार्वेस्ट कर लिए कुछ प्लांटों के और कुछ प्लांट भी अभी लगे हुए हैं। ये सारा जो है आपका सिलेंडर स्पिंडल सिस्टम में है। ये दोस्तों वर्टिकल एक्सिस सिस्टम है, इसमें कुछ प्लांटों से हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं और कुछ प्लांटों पे फ्रूट अभी लगे हुए हैं। ये वैरायटी जो है हमारी रेड विलॉक्स है और उसमें किस तरह के फ्रूट्स दिखते हैं और कैसे होते हैं वो मैंने पहली वीडियो में भी बनाया है और आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बना सकते हैं और कैसे ये दिखते हैं। आज मैं एक ओवरव्यू बना रहा हूँ पूरी ऑर्चर्ड्स का कि किस तरीके से न्यू प्लांटेशन है हमारी और किस तरीके से पौधों को हमने ट्रेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वो पौधे हमारे जिसमें हमने कोई ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया नहीं है और जो बिल्कुल जो है अपराइट ग्रोथ कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग सिस्टम। आप देख रहे होंगे इसमें भी बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, बट इस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं इसमें ज़्यादा ड्रॉप करते हैं और जब हम ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है आपके कम ड्रॉप करते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो है अच्छी जो है फ्रूट क्वालिटी साइज़ का मिल। दोस्तों एक छोटा सा पौधा जो आप देख रहे हैं ये आपकी स्कारलेट टू है, ये देखो कितना सुंदर फ्रूट लगे हुए हैं, चार फ्रूट है एक जगह लगे हुए और बहुत सुंदर फ्रूट हैं, छोटा सा पौधा है। ये वही लाइन है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से हमारे पौधों में फ्रूटिंग आती है और किस तरीके से जो है वो बियर करते हैं। आप देख सकते हैं कितने फ्रूट लगे हुए हैं हमारे और जो नौनी की जो हाइट है वो लगभग 1250 मीटर है और आप देख सकते हैं 1250 मीटर में किस तरीके से हमारे जो है फ्रूट लगते हैं और कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, जो भी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। ये दोस्तों एक जो आप देख रहे हैं सामने ग्रीन वाली वैरायटी है, ये अवेल अर्ली फ्यूजी है, ये बहुत अच्छा पोलिनाइजर है। नंबर ऑफ फ्लावर्स इतने आते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स को जो है पोलिनेट करने में हेल्प करता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारा ऑर्चर्ड्स है और किस तरीके से हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। आप लोग भी अपना इस तरीके से ऑर्चर्ड्स को मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनसे ले सकते हैं। इधर की लाइन से हार्वेस्ट कर लिए हैं और एक साइड में आपको फ्रूट दिख रहे हैं, इधर के अभी हार्वेस्ट करने में बचे हुए हैं। जिसको हम रेड, ये दोस्तों एक वैरायटी है जिसको रेड क्या वोल्टेड बोलते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये बियर करता है, अंगूर की तरह लगे हुए पूरे भर के फ्रूट लगते हैं इसमें।
ये दोस्तों एक वैरायटी है जो जिसको बोलते हैं हम सुपर चीफ, जो आपके सामने भी स्क्रीन पे दिख रही है, ये सुपर चीफ वैरायटी है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी तरीके से जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है हमें दे रही है। ये वही वैरायटी जो मैंने अभी भी दिखाई थी आपको, अविल और लिफ्यूजी, इसका जो है अभी हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं आया है, और ये जब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा तो ये पूरी तरीके से रेड हो जाती है और आपको अच्छी लगेगी। ये एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं स्कारलेट स्पिट टू, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे फ्रूट लगे हुए हैं और कलर भी हमारा बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है पूरी की पूरी प्लांटेशन पे हमारी जो है बहुत सुंदर क्रॉप लगी हुई है, और ये पूरे के पूरे ऑर्चर्ड्स का एक हमारा और व्यू था। और ये ऑर्चर्ड्स जो है हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट में है, जिसमें हम लोग सभी हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, और इसमें हम जो है कुछ ट्रेनिंग सिस्टम, कुछ स्पेसिंग और कुछ जो है डिस्टेंस के साथ जो है हम काम कर रहे हैं। और मैंने एक और भी वीडियो बनाई है ताकि इसमें जो आप इस तरीके से जो अपने प्लांट्स को लगाएं और किस तरीके से हमारे ऑर्चर्ड्स जो है अंडर हाई डेंसिटी प्लांटेशन दिखता है, इस तरह से थोड़ी सी कोशिश की मैंने बनाने की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसी के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मरों को भेजें ताकि वो लोग इन सिस्टम को अपनाएं और इस तरीके से अपनी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें। धन्यवाद।